फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, वो भी हाफ के जी का। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ वेनिला प्रीमिक्स से स्पंज बना लिया है और दो लेयर्स में इस तरीके से कट कर लिया है और जो डोम शेप आया है तो इस तरीके से मैंने कट किया है, आप देख सकते हो। और आप लूँगी मैं बेस और थोड़ा सा क्रीम इसे लगा लेना है क्योंकि हमारा जो केक है वो हिले ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको शुगर सिप कर लेना है, शुगर और पानी। अब फ्रेंड्स यहाँ व्हिप क्रीम डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इस तरीके से, और हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ साइड से भी स्प्रेड कर लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ चॉकलेट गनाश। तो फ्रेंड्स चॉकलेट गनाश डार्क कंपाउंड से मेल्ट कर लेना है, तो इस तरीके से आपको डाल के यहाँ स्प्रेड कर लेना है। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको डाल के गनाश भर भर के डालना है, जो हमारा केक का टेस्ट है वो बहुत ही यमी आता है। तो जो दूसरी लेयर है वो भी रख के आपको अच्छी तरह से शुगर सिप कर लेना है, और इसे अब हम क्रम कोटिंग करेंगे। तो इस तरीके से व्हिप क्रीम डाल के आपको इस तरीके से क्रम कोटिंग कर लेनी है, और मैंने यहाँ थोड़ा सा चॉकलेट डाल रही हूँ, चॉकलेट गनाश, और इस तरीके से आपको स्प्रेड कर लेना है। और देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ क्रम कोटिंग कर रही हूँ, और हमारा जो केक है वो बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो इस तरीके से मैंने केक को यहाँ क्रम कोटिंग कर ली है, अब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स मैंने व्हिप क्रीम में रेड कलर जेल फूड कलर डाला है, और इस तरीके से यहाँ आपको स्प्रेड कर लेना है थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके। उनको चॉकलेट केक में रेड केक चाहिए था फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़ा सा फीका बनाया है क्योंकि रेड भी बहुत अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने कैसे बना रही हूँ। और देख सकते हो थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के मैं इस तरीके से इसकी फाइनल फिनिशिंग है वो कर रही हूँ, और इस तरीके से आपको कर लेना है। और देख सकते हो जो फिनिशिंग है वो हमारी कैसी आ रही है, और ऊपर का जो क्रीम है वो इसे भी इस तरीके से आपको कवर कर लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा केक है वो फिनिशिंग हो गई है इसकी, तो देख सकते हो। और फ्रेंड्स आज की हमारी चॉकलेट केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैंने लिया यहाँ स्क्रैपर, और स्क्रैपर के हेल्प से इस तरीके से एकदम बेकरी स्टाइल सी डिज़ाइन दी है, और ऊपर मैंने इस तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ चॉकलेट गनाश डालेंगे केक के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ चॉकलेट गनाश बना के लिया है, और इस तरीके से आपको स्प्रेड कर लेना है केक के ऊपर एकदम धीरे से, क्योंकि क्रीम भी चॉकलेट में मिक्स हो सकती है फ्रेंड्स, तो एकदम धीरे से कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसको स्प्रेड कर लिया है, और ये जो हमारा गनाश है वो कितनी शाइनिंग आ रही है आप देख सकते हो। अब हम इसमें चम्मच से ही इसकी आउटलाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा गैप रख के मैंने यहाँ चॉकलेट से गनाश से यहाँ आउटलाइन कर दी है केक की। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ व्हिप क्रीम में रेड कलर डाल के लिया है, आप देख सकते हो, और उनको केक में रेड कलर चाहिए था तो मैंने यहाँ 2D नोजल लिया है फ्रेंड्स मैंने यहाँ। और इस तरीके से आपको एकदम सिंपल तरीके से डिजाइनिंग बनानी है, और देख सकते हो मैं कैसे डिज़ाइन बना रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देख सकते हो जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के रेडी है, और अब इसकी आउटलाइन हम करेंगे। एकदम यहाँ स्टार बना रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से स्टार बना के इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर देनी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितना सुंदर सा हमारा केक लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ आउटलाइन कंप्लीट कर दी है, और बीच में एक एक ऐसे स्टार लगाएंगे हम, इस तरीके से स्टार बनाएंगे। और देख सकते हो जो हमारा केक है चॉकलेट केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और बहुत ही टेस्टी और यमी ब्लैक फॉरेस्ट केक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हमारा केक बन के रेडी है, और अभी हार्ट सिंबल में यहाँ लगाऊंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से अभी इधर गिर रहा है बीच में, तो इस तरीके से यहाँ हार्ट सिंबल्स आपको लगा देने हैं डेकोरेशन के लिए। और आज की हमारी चॉकलेट केक की, ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ हार्ट के सिंबल्स लगा दिए हैं, और देख सकते हो जो हमारा केक का लुकिंग है। और मैं अभी गोल्डन स्प्रे ले रही हूँ, और इस तरीके से स्प्रे करना है जो हमारा केक का लुकिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है फ्रेंड्स। ब्लैक फॉरेस्ट केक रेड केक बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अब हम लगाएंगे हैप्पी बर्थडे का टैब, और बर्थडे केक बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।